अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हे नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकेश राहुल के बारे में, तो दोस्तों बने रहिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहती है। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे सिडनी टेस्ट मैच के तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ कि एम्पायरों ने भी लोकेश राहुल की तारीफ कर दी। विराट कोहली ने तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजी में पहला बदलाव किया। कोहली ने गेंद जसप्रीत बुमराह की जगह रविंद्र जडेजा को थमाई और तभी कुछ ऐसा हुआ कि एम्पायर तक को लोकेश राहुल की सराहना करनी पड़ी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब भारतीय कप्तान विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह से तीन ओवर करवाने के बाद गेंद रविंद्र जडेजा को थमाई, तब 15वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा के सामने मार्क हैरिस खेल रहे थे। पहली गेंद को हैरिस ने हवा में खेला और गेंद लोकेश राहुल की ओर गई। लोकेश राहुल ने फुल लेंथ डाइव मारकर गेंद को पकड़ा, लेकिन तब सभी को लगा कि लोकेश राहुल ने इस गेंद को लपक लिया है, लेकिन लोकेश राहुल ने कहा कि गेंद जमीन पर पहले ही लग चुकी है और वो आउट नहीं है। लोकेश राहुल की इस खेल भावना को देखकर एम्पायर इलान गुल्ड ने भी उनकी तारीफ की। लोकेश राहुल की ईमानदारी की तारीफ ऑस्ट्रेलियाई मेंटर ने भी की। जिस समय ऐसा हुआ उस समय हैरिस 24 रन बनाकर खेल रहे थे। दोस्तों हम आपको बताते चले कि इस टेस्ट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 622 पर 7 विकेट के स्कोर पर अपनी पारी को घोषित कर दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया इस विशाल स्कोर का पीछा कर रही है। भारत की तरफ से पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा ने 193 रन बनाए थे। पुजारा के साथ साथ भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी 159 रन की पारी खेली थी। और दोस्तों इसी मैच में रविंद्र जडेजा ने 81 रनों की पारी खेली थी। तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों का क्या कहना है लोकेश राहुल की इस महानता के बारे में। दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो जानकारी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।